जहां जहां गलतियां हो गई वो व्यापम हो या पेपर लीक हो या और चीजें, उनके जमाने में गलतियां हुई उसकी तो हम इंक्वायरी करेंगे और सारे लोग एक होकर मैं चाहूंगा कि आप वोट दो। हुकूमत आज उनकी चल रही है तो वो बेमानी की हुकूमत है। मोदी जी ने हर तरीके का उपयोग करके, शाह ने हर तरीके का उपयोग करके हमारे एमएलए को खरीद फरोख्त करके उनको कुछ आस दिला के लेके और उनकी सरकार आज है। जो बातें उन्होंने पहले कही थी वो बातों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा और जो हुकूमत आज उनकी चल रही है तो वो बेमानी की हुकूमत है। मैं चार शब्द आपके सामने बोलूंगा, ये तो वो झूठ पाठ सभी इन्होंने बोल दिया। मूर्तियां चोरी हो गई थी, वो बड़ा बड़ा ये हिस्सा कि खूब खाए 800 करोड़ कितना सब इतना खाने का सब उन्होंने छोटी सी भाषण में कहा। अब वो तो जो खाए खाए वो तो वापिस तो नहीं आते, उनको बताना एक ही है कि ऐसे खाए सो लोगों को जेल बता सकते, जेल में भेजा जाता है। लेकिन वो नोट वापिस दो जहां जहां रखे हैं वो तो वापिस करने वाले नहीं है। तो हमारी सरकार आने के बाद ऐसे चीजों की इंक्वायरी करेगी, करके जहां जहां गलतियां हो गई वो व्यापम हो या पेपर लीक हो या और चीजें, उनके जमाने में गलतियां हुई उसकी तो हम इंक्वायरी करेंगे और सारे लोग एक होकर मैं चाहूंगा कि आप वोट दो। अब जैसा कि जिंदाल साहब ने बताया, बड़े जोश के साथ बताया और अब सपोर्टर्स भी बड़े जोश से उनके सपोर्ट में हैं। तो वो बोले थे कि 41,000 वोट से मैं पहले आया था, अब 50,000 पार करूंगा, ऐसा बोला। यही ना, अच्छा 75,000 मेरे से भूल हो गई, माफ करो, 75,000 से मैं आऊंगा, ऐसा हिम्मत के साथ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी जी के साथ है, हमारे कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, तभी तो इतना बड़ा सपोर्ट आपका हमको मिल रहा है। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा समय की कमी के वजह से। अब वो तो करें, हम क्या करने वाले हैं या पहले 15 महीने में हमारी सरकार क्या की थी वो तो आपके सामने है। लेकिन इस आने वाले चुनाव में हम जीतने के बाद क्या करेंगे? पहला ये है, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देंगे। क्या हमारे बहने माँ दूर है, पुरुष ज्यादा इधर है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का आधा, किसानों का कर्ज पहले भी माफ किए थे आगे भी माफ कर देंगे, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ,
सिंचाई के पुराने बिल वो भी माफ। 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। 12 घंटे सतत बिजली आप पाएंगे और वो लाभ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी और जातिगत जनगणना का भी हम मुद्दा उठाए हैं। राहुल जी भी इसको लेकर आगे बढ़े। सब ओबीसी को और दूसरे एससी एसटी दलित सभी लोगों के लिए ये जनगणना जरूरी है, क्योंकि इस 75 साल में कौन कितने आगे बढ़ा, कितनी जमीन किसके पास है, कौन सी विद्या उन्होंने पाली है, डिग्री कौन कौन से जातियों में है, नौकरियां कौन से जातियों में है, ऐसे बहुत से चीजें उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद हम एक नया स्कीम निकाल सकते हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आजादी सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं है, एक दो जातियों के लिए नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, उन्होंने तो ये आजादी दिलाकर, गांधी जी ने आजादी दिलाकर सबको मुक्त कर दिया है। और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखा है वो सबके लिए बराबर है, सामाजिक न्याय के लिए। और ये जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को साथ देकर, प्रोत्साहन देकर देश का ये संविधान को लिखवाया। और संविधान जो लिखा गया वो लिखा गया ये सबके लिए, स्त्री पुरुष बड़ा छोटा सबके लिए समान है, सामाजिक न्याय देने का ये संविधान है, इसलिए आप मत भूलिए। चंद लोग आके कुछ ना कुछ कहते हैं कि कांग्रेस ने वैसा किया, फलाने ने वैसा किया। देखो, कांग्रेस अगर नहीं होती इस देश को आजादी नहीं मिलती। आजादी हमने दिलाया, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सिर्फ भगवा झंडा लेके इधर उधर फिरे, लाठी लेके इधर उधर घूमे, लेकिन असल काम हमने किया। हमारे लोग सूली पे गए, हमारे लोग बड़े बड़े जुलूस निकाले, लाठी खाए, इसके बाद यह आजादी मिली। मोदी ने नहीं लाया, शाह ने नहीं लाया, आरएसएस के भागवत ने नहीं लाया। अरे ये खून पसीने से हमने इस देश को आजादी दिलाई, उसमें आज हम सबको उसका फायदा दिलाना है। और वो फायदा दिलाने के लिए ये सरकार मध्य प्रदेश में आना जरूरी है।